द्वितीय मतदान पदाधिकारी जिन्हें हम पीटू कहते हैं उनके कौन कौन से कार्य होते हैं और वह मतदान दिवस के। नमस्कार, मैं आपका दोस्त संजीव, स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पे। आज का ब्लॉग्स बहुत ही खास है क्योंकि आज का ब्लॉग्स निर्वाचन से संबंधित है और आज हम बात करेंगे पीटू के कर्तव्यों के बारे में कि मतदान दिवस के दिन द्वितीय मतदान पदाधिकारी जिन्हें हम पीटू कहते हैं उनके कौन कौन से कार्य होते हैं। पीटू जिन्हें हम द्वितीय मतदान पदाधिकारी भी कहते हैं, ये 17A रजिस्टर, मतदाता पर्ची और अमिट स्याही के प्रभारी होते हैं। सत्रह ई रजिस्टर में एक सरल क्रमांक दिया गया होता है, उसके बाद मतदाता सूची का क्रमांक होता है, उसके बाद पहचान पत्र का नाम होता है और उसका क्रमांक होता है, और उसके बाद हस्ताक्षर या निशान करवाए जाते हैं। तो 17A रजिस्टर में इतनी सारी सूचनाएं भरी जाती हैं। तो जैसे ही मतदाता P1 से P2 की तरफ आता है तो P2 सबसे पहले उसके बाएं हाथ की तर्जनी उंगली में स्याही का निशान लगाते हैं, अमिट स्याही का निशान लगाते हैं, फिर उससे पहचान का दस्तावेज लेते हैं, सरल क्रमांक भरते हैं, उसके बाद मतदाता सूची का क्रमांक भरते हैं, फिर उसके पहचान पत्र अगर ईपिक है तो ईपिक भरेंगे या कोई अन्य दस्तावेज लाया है तो उसका नाम भरेंगे शॉर्ट एब्रीविएशन में, जैसे ड्राइविंग लाइसेंस है तो DL, और उसका अंतिम 4 डिजिट, उस प्रमाण पत्र का अंतिम 4 डिजिट भरेंगे और उसके बाद उससे हस्ताक्षर या निशान करवाएंगे। इतना करने के बाद वह मतदाता को एक मतदाता पर्ची इशू करेंगे और मतदाता पर्ची इशू करने के बाद मतदाता P2 से P3 की ओर चला जाता है। तो ये काम है P2 का, द्वितीय मतदान पदाधिकारी का, बिल्कुल आसान सा काम है। मतदाता पर्ची इशू करते समय वह उस पर सरल क्रमांक लिखेंगे, फिर मतदाता सूची का क्रमांक लिखेंगे और फिर अपना सिग्नेचर करेंगे और तब वह मतदाता को देंगे, तब मतदाता उसे लेकर P3 के पास चला जाएगा। ये सभी कार्य द्वितीय मतदान पदाधिकारी के हैं और साथ ही उन्हें अपने पीठासीन अधिकारी के प्रत्येक कार्य में सहयोग भी करना होता है।